हम अपनी रैली की जो इलेक्शन की रैली लॉन्च है उसकी हम कल फैसला करते हैं, परसों अनाउंस कर देते हैं कि हम अपनी रैली करने लगे हैं इलेक्शन के लिए, जिसकी डेट अनाउंस हो गई है। पुलिस के साथ बैठते हैं एक शाम पहले, पुलिस बकायदा सारी जो रूट है रैली की वो अप्रूव करती है, पुलिस के साथ बैठ के तय होता है कि ये हमारी रूट होगी रैली की। अगले दिन हमारे कारकुन आ रहे होते हैं, हमारी रैलीज आ रही होती हैं, जिधर मिलके मैंने ये जमान पार्क से निकलना था, एकदम पता चलता है सुबह बैन 144 लग जाता है, यानी रैलीज की इजाजत वापस ले ली जाती है, रास्ते में कंटेनर्स लग जाते हैं, पुलिस की कंटेंजेंट्स आ जाती है, हर जगह पुलिस खड़ी हो जाती है। और फिर चले हम, अब वो वर्कर्स को किसी को तो सुबह पता नहीं था, वो तो रात से प्लान हुआ था रैलीज। अब जब वो आ रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज है कि ये नहीं कि वर्कर्स इनसे कुछ नहीं कर रहे, किसी हमारे कभी वर्कर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती हैं कि पुलिस के साथ कोई फसाद में पड़ो। वर्कर्स वहां आके खड़े हो जाते हैं, जान के वर्कर्स के ऊपर वाटर कैनन्स, वो पुरामन लोग खड़े हुए हैं उनके ऊपर वाटर कैनन्स चलनी शुरू हो जाती है, जो पुलिस उनके ऊपर चार्ज कर देती है डंडों से। उसके बाद पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, हमें यहां मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे रैलीज के लिए, हम यहां जाने की इंतजार कर रहे हैं, और एकदम ये खबरें आनी शुरू हो जाती, उधर रोक दिया, फलानी जगह रोक दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि पैमरा फिर एक्शन में आ जाती है, और पैमरा फैसला करती है कि पीटीआई की ये दिखाना ही नहीं सब कुछ, तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलता है मुझे यहां बैठे कि हो क्या रहा है।